पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम संजय निषाद है और देखिए आज मेरे फिल्म का ओपनिंग हुआ है मुंबई सर्किट, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, और बहुत ही बढ़िया ओपनिंग रहा है। और मैं अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं संजय निषाद, फिल्म डायरेक्टर, आप लोगों का छोटा भाई, पूरा प्यार और आशीर्वाद दीजिए मुझे ताकि मेरा हौसला मनोबल हो और बड़ा, और मैं सुधरे लव स्टोरी से भी बढ़िया कंसेप्ट लेकर मार्केट में आऊँ। और यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आशीर्वाद दीजिए मुझे आप लोग। किस किस लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग की गई? जी बनारस के विभिन्न लोकेशनों पर, सारनाथ, सारनाथ है, लक्ष्मी सेनपुर है, डेढ़ुआ है, अन्य लोकेशन है सारनाथ, मतलब टोटल उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में। फिल्म की कहानी क्या है, और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? फिल्म की कहानी मैडम यही है कि एक शूद्र की लड़की होती है और एक आर्य का लड़का होता है। जो अजय विलन है उसका भाई जो है एक शूद्र की लड़की से प्यार कर बैठता है। शूद्र नाम से उस विलन को इतना चिढ़ होता है कि शूद्र की लड़की से प्यार करने के जुर्म में अपने सगे भाई को और शूद्र की लड़की को बस्ती में जाकर सरेआम काट देता है। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म सुनकर? अब तो ये फैसला दर्शक करेंगे कि हमने अच्छा किया गलत किया है, दर्शकों के हाथ में। मुश्किल तो नहीं रहा, पर मेरी टीम ने मेरा काफ़ी सहयोग किया है, और जब टीम साथ में होती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, और एक लगन सी थी इस काम को करने के लिए, सो मैंने इसको किया है, बहुत ही अच्छा लगा। किरदार को आपने निभाया और इस किरदार को निभाना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चैलेंजिंग? मैंने इस किरदार का, पॉजिटिव किरदार है मेरा, हीरो का रोल है, जो कि एक लड़के को कोई भी बुरी बात पसंद नहीं है, उसको सिर्फ अच्छाई से, मतलब अच्छी बात ही पसंद है। वो किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता है वेस्टेज, वो अपने हाल में मस्त रहता है। टाइटल कहाँ से मिला? शूद्र है, लव स्टोरी है, टाइटल कहाँ से मिला? सर टाइटल के लिए काफ़ी सोचा हमने, और बहुत ही इसमें सोच के इसको टाइटल को हमने लिया है। पहले शूद्र सोचा, फिर लव स्टोरी सोचा सिर्फ, उसके बाद में थोड़ा दिमाग में ख्याल आया कि ये कर लीजिए, ये बेस्ट है और स्टोरी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है शूद्र ए लव स्टोरी। तो बहुत सारी लव स्टोरी दर्शकों ने देखी है, बिल्कुल इसको दर्शक सिनेमा तक जरूर देखने आएंगे, क्योंकि ये अलग हटके मूवी है और लव स्टोरी पे भी है, और उस नीच के ऊपर इसको फिल्माई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह इसको हमारे डायरेक्टर ने रुपेले पर्दे पर उतारा है। तो फिल्म की शूटिंग अलग अलग लोकेशन पे शूट की गई है, कोई ऐसा लोकेशन या फिर शूट के टाइम पे कुछ ऐसा जिससे आपको थोड़ी मुश्किल हो? मुश्किल मेरे लिए ये था कि मैंने एक्चुअली में वहाँ पर ओरिजिनल सेट जो किया था हम लोगों ने, ओरिजिनल बस्ती में ही, शूद्रों की बस्ती में इस फिल्म को फिल्माया गया है, तो मुश्किल दो तीन दिन बाद उन लोगों को मालूम पड़ा, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, पर जैसे तैसे उसको मीडिया द्वारा हमने करवा के उसको शांत किया कि भाई ऐसा मामला नहीं है, ये शूद्रों के ऊपर बनाई गई फिल्म ज़रूर है, पर किसी के ऊपर ऐसा हमने कोई आरोप ना लगाए हुए कोई ऐसा गलत इसमें दिखाया गया नहीं है। बहुत ही खुशी है मुझे, इंटरेस्टिंग हूँ मैं, काफ़ी उत्साहित हूँ इस फिल्म के लेकर, क्योंकि सबसे पहली फिल्म है मेरी ये, और इसको मैं बहुत काफ़ी उत्साहित हूँ। दर्शकों से, फैन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या आवेदन? दर्शकों से मेरे यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने ज़रूर आएँ, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसकी स्टोरी, इसका कॉन्टेक्ट काफ़ी बहुत बढ़िया है, शूद्र लव स्टोरी जो अभी तक उन लोगों ने आज देखा नहीं है वो अब देखेंगे इस फिल्म के अंदर। इसके अलावा भी कुछ और आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं? जी हाँ, मेरा आने वाला प्रोजेक्ट है अजीब ए इश्क, जिसकी कास्टिंग बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है इसके बाद, और उसके शुरू हो जाएगा उसका कास्टिंग वगैरह, बैक टू बैक मैं नज़र आना चाहता हूँ, और पब्लिक मुझे प्यार करेगी, मैं यही चाहता हूँ कि पब्लिक सिनेमा घरों पर आकर मुझे आशीर्वाद दें और मुझे हमेशा ये आशीर्वाद देती रहे। देखिए जो भी है स्टार कास्ट हमारे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं, नो डाउट सभी हमारे फिल्मों के टीम ने सभी लोगों ने अच्छा काम करके गया है, और सभी लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया है, कहीं से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। आपके एक्टर अभी फर्स्ट फिल्म से एंट्री है, उनकी डेब्यू है, तो उनके साथ काम
करना मुश्किल रहा, कहीं कुछ ऐसा रहा कि आपको? देखिए मैडम, बिना मुश्किल का तो कहीं कुछ नहीं होता है, मुश्किलों को झेलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारे रिटेक तो होता है मैडम, होता है रिटेक तो होता है। आपकी नज़र से क्या लग रहा है आगे चलकर ये किस तरह के स्टार लोगों के बीच में छा रहे हैं? जी इसमें तो स्टार लोग के बीच में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टार बन जाएंगे इस फिल्म से। अच्छा, रिलीजिंग की अगर बात करें, कहाँ कहाँ रिलीज हुई है ये? ऑल गुजरात, ऑल महाराष्ट्र, 50 सिनेमा मिले, 50 सिनेमा से ज़्यादा मिले हैं। साल के करीब हो चुका है। रिस्पांस क्या है? रिस्पांस अच्छा रहा सर, ओपनिंग बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। पुणे में अपोलो सिनेमा तो बहुत बढ़िया, अपोलो सिनेमा से बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है, और गुजरात में भी दो तीन सिनेमा से अच्छा रिजल्ट। मुंबई से कितनी आशा है? अब देखिए मुंबई से भी मुझे मतलब ऑल महाराष्ट्र गुजरात से आशाएं हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शक मुझे प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे इस फिल्म से। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये बहुत खुशी की और अच्छी खबर होती है जिस दिन अपनी पिक्चर रिलीज होती है। मैं प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, हमारे स्टार लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि पिक्चर अपना नाम कमाए। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ रहेंगी, हमेशा। थैंक यू ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नबीनूर जी को। नबीनूर जी की हिम्मत को सलाम करने पड़ेंगे, जैसे ये नए होने के बावजूद भी गजब की इनमें कॉन्फिडेंट है, और इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर बनाई, और इसके साथ साथ ये जो है ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं अपने बैनर पे, मैं इनको सहयोग कर रहा हूँ। और इनकी एक्टिंग आप लोग एक बार देखेंगे पिक्चर तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं तो बोलूँगा स्मॉल प्रोड्यूसरों के लिए जो है, मतलब नबीनूर जी जो है एक मिसाल कायम होंगे इस पिक्चर से, जैसे इन्होंने हिम्मत दिखाई है। और इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट पर इन्होंने पिक्चर बनाई है, शूद्र ए लव ए स्टोरी, मतलब आज के डेट में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने में भी डर लगता है। तो इनको सैल्यूट है, इनके सब्जेक्ट को, इनकी मूवी को, इनको, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। थैंक यू। हाँ जी, शूद्र ए लव स्टोरी बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो है बनकर ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। नबीनूर मंसूरी जी को हार्दिक शुभेच्छा पूरे हमारी तरफ से, और ये हिट होने वाली है फिल्म। ये एक्चुअली बहुत ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड कल्चर के ऊपर जो फिल्म बनी है, इसका सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर है, और जैसे कि साहब ने बताया कि इनकी एक्टिंग जो है बहुत ही जबरदस्त तहलका मचाने वाली है, लोगों में बहुत एक उत्साह है इस फिल्म को देखने का। और हमारी एक बार फिर से शुभेच्छा है इनको, और आने वाले प्रोड्यूसर लोग इस तरीके से फिल्म बनाए। और नबीनूर मंसूरी जी बहुत ही अच्छे कलाकार अपने आप के अंदर, उनके अंदर आने वाले सुपरस्टार ये नजर आ रहे हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छा और उम्दा काम इन्होंने किया है, और मैं चाहूंगा कि सारे देश दुनिया के लोग जो है कल्चर के बारे में फिल्म देखें, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका जो प्रोत्साहन ये जो है ब्लॉकबस्टर करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मेरा नाम रागनी प्रजापति है, और मैं अपने सभी दर्शकों को, जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबको मैं पहले प्रणाम करती हूँ। और इससे पहले आपने कोई फिल्म या कुछ किया या फिर अभी आपकी एंट्री है? जी, इसके पहले मैं एक मूवी की थी, उसमें एज अ करेक्टर रोल की थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जिसमें मैंने सेकेंड लीड का करेक्टर किया है। और मैं सबसे पहले तो संजय सर को थैंक यू बोलूँगी, और नबीनूर जी को, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मूवी में काम करने के लिए। किस तरह के किरदार को आपने निभाया? मेरा एकदम साइलेंटली मतलब कैरेक्टर है, और डायलॉग्स तो नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने कैरेक्टर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिल्म देखकर आ रही है, लोगों का रिस्पांस देखकर कैसा लगा? लोगों का तो रिस्पांस देखकर के अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपने दर्शक से यही बोलूँगी कि आगे भी जो भी, जितने एक हफ्ते हमारी मूवी जो भी थिएटर में चले, हमारे सारे दर्शकों से यही विनती है कि हमें खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें, और हमारी मूवी थिएटर में आकर के देखें। एक फिल्म आई थी मराठी फिल्म थी सैराट करके, साथ नाम सुना होगा आपने। जी, उसमें यही कहानी थी, लड़का शूद्र था और जी कहानी थी, इसमें कुछ फर्क क्या फर्क? शायद नाम सुना हो, देखा होगा आपने। ये फिल्म हटके है सर, थोड़ा अलग है, इसमें डायलॉग कॉन्सेप्ट इसका अलग है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है इसको। सामाजिक कुरीतियों को दर्शाते हुए मैंने इस फिल्म का निर्माण किया है, और ये फिल्म अभी तक ऐसी फिल्म देखी नहीं है दर्शकों ने, और मुझे लगता है दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू।